नज़र 2024 में एक चमत्कार होगा। पूरी दुनिया भारत को नमस्कार करेगी। अयोध्या में 2024 में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के बारे में अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं वह निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं उन जानकारियों के बारे में कौन कौन सी जानकारियां सामने आई। भगवान राम का मंदिर अष्टकोणीय होगा। मंदिर में 44 दरवाजे होंगे। सभी दरवाजे सागौन की लकड़ी से बने रहेंगे। सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र सरकार प्रदान कराएगी। 44 दरवाजों के लिए 2000 घन फुट सागवान की लकड़ी मंगवाई गई है। दरवाजे तराशने के लिए कुशल कारीगरों की तलाश शुरू हो चुकी है। इस मंदिर से 84 कोस की पूरी परिक्रमा तक जितनी भी इमारतें होंगी सारे भवन भगवा रंग के होंगे। इस पूरे 84 कोस के इलाके में एक कॉमन बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा। सभी मंदिरों के भवनों के रंग उसी रंग के होंगे जिस रंग का भगवान राम का मंदिर होगा। सीता रसोई को एक बहुत बड़ी पाकशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर हजारों लोगों को निःशुल्क प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसके लिए अनाज और सब्जी के भंडारण हेतु भवन बनवाया जाएगा। खाना बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। 108 की संख्या हिंदू धर्म में विशेष रूप से पवित्र संख्या मानी जाती है, इसीलिए पूरा मंदिर 108 एकड़ का होगा। श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण विशेष संगमरमर के पत्थरों से किया जाएगा। यह संगमरमर के पत्थर मकराना से लाए जाएंगे। मकराना की संगमरमर के पत्थरों से ही तेजो महालय का भी निर्माण हुआ है। रामनवमी के विशेष मौके पर सिर्फ एक दिन भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक का अर्थ यह है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें गर्भगृह में आकर रिफ्लेक्टर द्वारा सीधे भगवान राम के ललाट पर आज्ञा चक्र पर जाकर स्पर्श करेंगे। इसे ही सूर्य तिलक कहा जाएगा। इसके लिए IIT और विशेष वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। तीर्थ ट्रस्ट का अनुमान है कि मंदिर बन जाने के बाद दर्शक के लिए हर दिन 50,000 से अधिक भक्त दर्शन के लिए आएंगे। इस तरह हर महीने करीब 15 लाख और साल में करीब 2 करोड़ भक्त के दर्शन हेतु आने की संभावना है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है, राम मंदिर बनने के बाद जो भक्तों का जमावड़ा लगेगा दर्शन के लिए वो लोग आएंगे। लगभग कहा जाए तो साल में 2 करोड़ भक्तों का दर्शन के आने की संभावना जताई जा रही। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ युवा तार भारत पर, और हम दिखाएंगे कि कहां पर कौन से धार्मिक स्थल पर कौन से निर्माण कराए जा रहे हैं और कैसे निर्माण कराए जा रहे हैं, उन निर्माणों को लेकर के विशेष बात क्या है, और लगभग कब तक लोगों का जो मानना है कि तैयार करा दिए जाएंगे मंदिर के भवन, इस पर भी, और उनमें जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान क्या है, कितने लगभग दर्शक साल में मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे, इन्हीं सभी बातों के साथ